नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लवली न्यू के बारे में। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट है, वीडियो में कवर करेंगे, वीडियो को एंड तो वॉच कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखो लवली न्यू सपोर्टर की ओर से न्यूज़ है। वन मोर अचीवमेंट बाय लवली न्यू फाइनेंस, लॉन्च देयर फार्मिंग एंड पोल्स फीचर। जहाँ से लवली शॉप डॉट फाइनेंस में अगर आप जाओगे, वहाँ पर फार्म एंड स्टैक का फीचर अवेलेबल कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों आज ही अवेलेबल कर दिया गया, तो काफ़ी बेस्ट फीचर है। इसके बारे में इस चैनल में कवर करेंगे कल या परसों, ठीक है। तो आपको वीडियो को एंड तो वॉच करना है, और भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट है लवली न्यू के बारे में, जिसको आपको जानना चाहिए, और काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट न्यूज भी हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना, ठीक है दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट यहां पर देख सकते हो, काफी बड़ी अपडेट है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि आरजे अरन की ओर से ट्वीट है, जैसे देख पा रहे हो लिस्टेड ऑन बिटमार्ट बीकेएक्स पी टू पी और बी टू बी और लेटो टोकन और हॉबिट। सो आपको तीन एक्सचेंज के बारे में बताता हूं, मैं आपको बेसिकली बताता हूं, बिटमार्क बीकेएक्स और दोस्तों लेटो टोकन में लिस्टिंग किया था, ठीक है। लेकिन दोस्तों मार्केट में और दो एक्सचेंज में लिस्टिंग हो चुकी है। पहला एक्सचेंज है पी टू बी एंड बी टू बी, ठीक है, और दूसरा है हॉट बीट। ये दो नए नए एप्लीकेशन है जहां से लवली न्यू को लिस्टिंग किया गया है। मतलब पांच एक्सचेंज में लवली न्यू को लिस्टिंग कर दिया गया है। आपको किसी को नहीं पता, अगर आपको किन्हीं चीज़ को पता है दोस्तों, पाँच पाँच एक्सचेंज में लवली न्यू को लिस्टिंग कर दिया गया है। तो ये काफ़ी बड़ी खुशखबरी है लवली न्यू को होल्डर्स के लिए। आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ के लिए पैनिक नहीं करना है, मार्केट में इसका और ज़्यादा तेजी के साथ पंप आने वाला है, ठीक है दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट अगर मानेंगे, यहाँ देख पा रहा हूँ नरंजन मुथव को और से न्यूज़ आ रही है, प्लीज बर्न मोर देन 99 मिलियन इफ़ यू वांट ब्रिंग टू वन और जीरो $50 बाय 2021। जैसे लोग पूछ रहे हैं कि 99 मिलियन कॉइन को बर्न कर देना चाहिए लवली न्यू को, दोस्तों आपको क्या लगता है, आप अपने कमेंट में ज़रूर आंसर दे सकते हैं। और दोस्तों मुझे नहीं लगता कि 99 मिलियन कॉइन को बर्न करना ज़रूरी हो जाएगा, और लगभग दोस्तों मैं आप रिकमेंड करूँगा 20 या 15 मिलियन कॉइन को बर्न करना चाहिए, जिससे मार्केट में स्टेबल रहना चाहिए, मार्केट और तेज़ी के साथ पम्प रहेगा, ठीक है। 99 मिलियन कॉइन को बर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है, आप आंसर कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक अनिल कुमार की ओर से अपडेट है, जैसे कि आप देख पा रहे हो लवली न्यू टू द मून सून वी विल होल्ड अंटिल इट्स गोल्ड। मतलब ये पूछ रहे कि जब तक इसका प्राइस ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये होल्ड करेंगे। ये काफ़ी बड़ी और खुशखबरी है कि ऐसे ही लोग अगर सोचते गए तो इसका प्राइस तेजी के साथ बढ़ेगा, आपको सिवाय जैसा फॉल आपको देखने को नहीं मिलेगा, जिस वजह से आप इस कॉइन को होल्ड करके लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हो, ठीक है। और दोस्तों चलिए मार्केट में नज़र डाल लेते हैं कि फिलहाल अभी मार्केट में इसकी प्राइस कितनी ज़्यादा अप हो रही है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों अगर आप देखोगे यहाँ पर आपका जो प्राइस चल रहा है 0.005047 पैसे हैं, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर बात करें चेंज के, लगभग 7 दिन और 24 घंटे की, 24 घंटे का चेंज लगभग 18.40% अप ट्रेंड में है, और 7 दिन का लगभग 40.11% अप ट्रेंड में है, ठीक है। इसकी वॉल्यूम की बात करें लगभग 184.37 मिलियन इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम अभी अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है। सबसे दोस्तों हाई इसका प्राइस गया है 0.00549 पैसे आपको देखने को मिल पा रही होगी, ठीक है। और दोस्तों एक लवली न्यू की कीमत अभी लगभग 0.005047 पैसे हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर मार्केट का आपने देखा होगा दोस्तों, सबसे 24 घंटे में लो और हाई की बात करें 0.0002480 पैसे सबसे लो गया, सबसे हाई गया 0.005399 पैसे सबसे हाई गया, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर यहाँ पर पैर की बात करें सभी कॉइन की, अगर मिला की बात करें लगभग आपको 20% अभी अप देखने को मिल पा रही है, तो काफ़ी बड़ी और पॉजिटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। और दोस्तों अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, दो और लिस्टिंग में हो चुकी है, ठीक है, और यहाँ पर तीन में बीकेएक्स बिटमार्ट लेटो टोकन और हॉट बीट और दोस्तों और एक एक्सचेंज है जहाँ पर लिस्टिंग हो चुकी है, यानी दोस्तों पाँच एक्सचेंज में लिस्टिंग हो चुकी है, तो काफ़ी बड़ी खुशखबरी है लवली न्यू को होल्डर्स के लिए। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को पहली बार आए तो और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो लवली न्यू को होल्डर्स के लिए।